सो हे हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, क्या आप भी आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग को ढूंढ रहे हैं, जिसको यूज करने पर यूएमपी से ओनली रेड नंबर, शॉटगन एंड डेजर्ट ईगल से ओनली फॉर वन टैप, और फ्री फायर के अंदर जितने भी गन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं उन सभी गन से आपका अच्छा खासा हेडशॉट लगे। तो दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी बताने वाला हूं। एंड ये वाला सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होने वाला है। एंड गाइस, ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग आपका हर एक डिवाइस के अंदर वर्क करेगा, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम, 16GB रैम या फिर उससे भी बड़ा। तो गाइस, मैं यहाँ पर आप सभी के डिवाइस के लिए एक परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी को बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग को आप लोग अगर मेरे अकॉर्डिंग अपने डिवाइस के अंदर रखोगे ना, तो आपका भी ओनली रेड नंबर ही लगेंगे। एंड यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि गाइस, वो लोग सेंसिटिविटी सेटिंग को तो ठीक से रखेंगे लेकिन फिर भी उनका हेडशॉट नहीं लगता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ सेंसिटिविटी सेटिंग को ही ठीक करने से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। गेम के अंदर अच्छे से हेडशॉट लगाने के लिए और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें मैटर करता है। जैसे कि मान लो, एक परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए आपका फायर बटन का साइज एंड उसका पोजीशन भी मैटर करता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर बेस्ट फायर बटन साइज एंड उसका पोजीशन भी बताऊंगा। बस गाइस, मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वाला वीडियो को पूरा दे, क्योंकि गाइस अगर आप आधा अधूरा वीडियो को छोड़ के चला जाओगे तब गाइस कुछ सीक्रेट सेटिंग आपसे मिस हो जाएगा, जिससे आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। और एक बात और गाइस, अगर आप इस वाला चैनल पे बिल्कुल नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास है बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ताकि हमें आगे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। A few moments later. तो देखो गाइस, जैसे ही आप सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो ना, यहाँ पर बहुत सारी सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जनरल सेंसिटिविटी, उसके बाद रेड डॉट सेंसिटिविटी, उसके बाद टू स्कोप सेंसिटिविटी, उसके बाद फोर स्कोप सेंसिटिविटी, उसके बाद स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी एंड आखिरी में फ्री लुक सेंसिटिविटी। एंड गाइस, आप यहाँ पर जितने भी सेंसिटिविटी सेटिंग को देख रहे हो ना, इन सारे सेंसिटिविटी सेटिंग का काम अलग अलग होता है। एंड आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग इन सारे सेंसिटिविटी सेटिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे सेट करोगे ना, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सभी डिवाइस के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर आपको इस वाला वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। तो ये जो हमारा फ्री लुक सेंसिटिविटी है, ये ना तो हमारा हेडशॉट मारने का काम आता है और ना तो हमारा मूवमेंट करने में काम आता है। ये तभी काम आता है जब आप अपने फ्री लुक सेंसिटिविटी को ऑन करके इस आई बेल आइकन को मूव करके अपने कैरेक्टर के चारों तरफ देख सकते हो, जिससे आपका चारों तरफ से अच्छा खासा व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि ये जो हमारा फ्री लुक सेंसिटिविटी है, ये ना हमारा हेडशॉट मारने का काम आता है और ना तो हमारा यहाँ पर सेंसिटिविटी में काम आता है। तो आप लोग यहाँ पर फ्री लुक को अगर यूज करते हो तो बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर कोई भी डिवाइस हो आपके पास, अगर लो एंड डिवाइस हो या फिर आपके पास अगर हाई एंड डिवाइस हो, सबके लिए फ्री लुक सेंसिटिविटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर फ्री लुक सेंसिटिविटी को आपको यहाँ पर सिंपल सा 70 पर रख देना है। एंड ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग लो एंड डिवाइस से लेकर हाई एंड डिवाइस के अंदर वर्क करेगा। तो बस ये तो हो गया फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेंसिटिविटी है, वो है स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। तो आप बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो दोस्तों, ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग तभी वर्क करता है जब आप कोई भी स्नाइपर गन को चलाते हो, जैसे कि AWM, M82B, Kan-90 या फिर कोई भी स्नाइपर गन हो। जब आप अपने स्नाइपर गन का स्कोप को ओपन करके किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तब गाइस स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी काम करता है। तो यहाँ पर गाइस, आपके पास अगर कोई भी लो एंड डिवाइस हो ना, जैसे कि 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम वाला मोबाइल फोन, तो आपको यहाँ पर स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को 60 पर रख देना है। एंड ये वाला सेंसिटिविटी लो एंड डिवाइस के लिए परफेक्ट है। जैसे कि आपके पास अगर 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ऊपर वाला डिवाइस है, तो आपको यहाँ पर स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को रखना है 30 पर। एंड यही बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है हाई एंड डिवाइस के लिए। तो गाइस यहाँ पर देखो, अब बात कर लेते हैं फोर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। एंड ये वाला सेंसिटिविटी तभी वर्क करता है गाइस, अगर आप कोई भी लॉन्ग रेंज के गन के अंदर फोर स्कोप को लगाकर एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तभी गाइस ये वाला सेंसिटिविटी वर्क करता है। तो अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, जैसे कि मान लो 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम, तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको फोर स्कोप सेंसिटिविटी को रखना है 160, मतलब 160 पर। एंड यही बेस्ट फोर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग है लो एंड डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर गाइस, आपके पास अगर कोई भी हाई एंड डिवाइस है, जैसे कि 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम,
तो आपको यहाँ पर फोटोस्कोप सेंसिटिविटी को रखना है 130 मतलब 130 पर। तो गाइस ये तो हो गया फोटोस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं टू स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि गाइस अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB एंड 4GB, तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट जो टू स्कोप सेंसिटिविटी होने वाला है 160 मतलब 160 पर। एंड यहाँ पर गाइस अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस वाला मोबाइल फोन है लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM, तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग टू स्कोप सेंसिटिविटी होने वाला है 150 मतलब 150 पर। तो गाइस ये तो हो गया टू स्कोप, फोर स्कोप, स्नाइपर स्कोप एंड फील्ड लुक के बारे में। आप बात कर लेते हैं मेन दो सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में जो कि है जनरल एंड रेड डॉट। तो गाइस यहाँ पर आप बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पर बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि रेड डॉट सेंसिटिविटी कब कम करता है। तो यहाँ पर गाइस आप गेम के अंदर जाकर कोई भी लॉन्ग रेंज वाला गन को उठाते हो एंड उसके अंदर कोई भी स्कोप नहीं लगा हुआ है, तो उस वाला टाइम पे उस वाला गन का जो डिफॉल्ट स्कोप लगा हुआ होता है उसी को हम लोग रेड डॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर गाइस आपके पास लो एंड डिवाइस है जैसे कि 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM, तो तब गाइस रेड डॉट सेंसिटिविटी आपको यहाँ पर रखना है 155 पर। एंड यहाँ पर गाइस आपके पास अगर हाई एंड डिवाइस वाला मोबाइल फोन है तो आपको यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को रखना है 145 पर मतलब 145 पे। तो गाइस यहाँ पर लगभग सभी सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो उसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में जो कि है गाइस जनरल सेंसिटिविटी। तो देखो गाइस ये वाला जो सेंसिटिविटी है ये आपका हेडशॉट मारने में काफी ज्यादा काम में आता है। तो इसलिए गाइस इस वाला सेंसिटिविटी सेटिंग को आपको पूरा ध्यान से देखना है, मतलब कौन सा डिवाइस के अंदर आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो देखो गाइस आपके पास अगर कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे कि 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM एंड 4GB RAM, तो आपके लिए बेस्ट जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग होने वाला है 170 मतलब 170। एंड गाइस ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग मैं अपने घर के सभी लो एंड डिवाइस के अंदर चेक करके देखा है, जैसे कि मेरे घर के अंदर 3GB RAM वाला मोबाइल फोन भी है एंड 4GB RAM वाला मोबाइल फोन भी है। तो उन सभी डिवाइस के अंदर मैंने ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग को चेक करके देखा है। तो उन सभी लो एंड डिवाइस के अंदर ये वाला सेंसिटिविटी को लगाने के बाद मेरा अच्छा खासा वन टैप भी लग रहा है एंड अच्छा खासा हेडशॉट भी लग रहा है। तो आपके पास अगर कोई भी लो एंड डिवाइस है तो ये वाला जनरल सेंसिटिविटी आपके लिए पूरा बेस्ट है। एंड यहाँ पर गाइस आपके पास अगर हाई एंड डिवाइस वाला मोबाइल फोन है तो उन डिवाइस के अंदर पहले से ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप हाई एंड डिवाइस के अंदर जनरल सेंसिटिविटी को बहुत ही ज्यादा रखोगे तो आप जब भी एनिमी के ऊपर गन से फायर करोगे तब गाइस आपका गन का गोली रिकॉइल खा के एनिमी के हेड के ऊपर से चला जाएगा। एंड यहाँ पर पर्सनली गाइस मैं यहाँ पर एक हाई एंड डिवाइस का यूज करता हूँ जिससे मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ एंड गेम प्ले भी करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे कि 6GB RAM, 8GB RAM एंड 12GB RAM, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट जो जनरल सेंसिटिविटी होने वाला है वो है गाइस 150 पर। एंड ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग मैं अपने खुद के हाई एंड डिवाइस के अंदर भी रखता हूँ जिससे मेरा अच्छा खासा वन टैप हेडशॉट भी लगते हैं एंड अच्छा खासा ड्रैग हेडशॉट भी लगते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी हाई एंड डिवाइस है तो आपको यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को रखना है 150 पर। तो दोस्तों ये तो हो गया सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड उसका पोजीशन के बारे में। तो उसके लिए आपको सिंपल सा सेंसिटिविटी सेटिंग के नीचे कंट्रोल पर आ जाना है एंड यहाँ पर कस्टम एचयूडी आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस तो यहाँ पर बेस्ट फायर बटन पोजीशन कौन सा होने वाला है उसके लिए गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर ऊपर एक आपको आइकन देखने को मिलता है जो कि है कितने बंदे अलाइव है वो यहाँ पर आपको शो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फायर बटन को यहाँ पर सेट करना है एंड फायर बटन को सीधा यहाँ पर खींच कर नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद यहाँ पर देखना है आपको जितने बंदे अलाइव है यहाँ पर शो होता है उसके अकॉर्डिंग उसके जस्ट नीचे पूरा यहाँ पर अलाइन करना है आपको फायर बटन को। फायर बटन को अलाइन करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस रखना है कि आपका फायर बटन ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा कि गाइस आप फायर बटन को ड्रैग नहीं कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपका स्पेस भी नहीं बचेगा और यहाँ पर आप जब भी मूवमेंट करने जाओगे आपका यहाँ पर फायर बटन के ऊपर टच भी हो सकता है जिससे कि आपका यहाँ पर मिस फायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में यह रखना है कि फायर बटन को ना ज्यादा ऊपर रखना है और ना ज्यादा नीचे रखना है। फायर बटन को आपको मिडिल पोजीशन पर रखना है जितने बंदे अलाइव है ये वाला आइकन के पूरा नीचे एंड यहाँ पर देखना है कि आपका जो फिंगर है कहाँ पर जाके टच करता है वहाँ पर ही आपका फायर बटन को प्लेस कर देना है एंड वो ही है आपका बेस्ट फायर बटन पोजीशन। तो गाइस ये तो हो गया फायर बटन पोजीशन के बारे में, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना एंड प्रैक्टिस करने के बाद ही गाइस कोई भी कस्टम या फिर बीआर रैंक एंड सीएस रैंक गेम को प्ले करना।
तो गाइस ये तो हो गया आज का ओवरऑल वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।